हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सबरीना डायरीज। उम्मीद है आप सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी बदले ये है, शाम की स्नैक्स भी बोल सकते हैं आप लोग। हम अक्सर शाम के टाइम ये चना चाट बना के खाते, तो मैं जो है सब वाइट चने से बनाती, तो मैं यहाँ पे ब्लैक चने लिया है। और मैं आप लोग आज एक ट्रिक बताऊँगी जो ब्लैक चने को बहुत जल्दी बॉयल कैसे करनी होती है और बिल्कुल 20 मिनट के अंदर ये चने गल जाए, वो भी प्रेशर कुकर के बिना। जैसे आप लोग फर्स्ट पानी डाल के और चने को बिठा दे, आप लोग उसमें नमक नहीं डालेंगे फौरन। जब चने बॉयल आ जाए, हल्की सी गल जाए, उसके बाद आप नमक डालें तो ये चने जो है अकर नहीं जाती है, बहुत जल्दी बिल्कुल 15-20 मिनट के अंदर गल जाती है। ये थी आज की ट्रिप और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मुझे चना चाट बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। मैंने यहाँ पे 1 कप आलू ले लिया है काट के, बॉईल करके। यहाँ पे मैंने 1 टोमेटो काट के रखा है, प्याज काट के रखा है और हरी मिर्च बारीक काट के रखी हुई है। यहाँ पे मैंने दही लिया है, यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च की पाउडर, थोड़ी सी भुना हुआ जीरा पाउडर और काला नमक, और यहाँ पे मैंने इमली की पानी लिया है, और यहाँ पे मैंने एक क्यूब्स रखा है धनिया पुदीना की चटनी जो बनाते हैं आप लोग घर पे, उसकी एक क्यूब्स है। आप लोग अगर इसकी फ्लेवर डालना चाहती है तो आप ऐड कर सकती है, ना इसको अवॉइड कर सकती है। डालने से भी अच्छा लगता है, ना डालने से भी अच्छा लगता है। तो मैं आज चले मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ ब्लैक चने चाट। मैंने फर्स्ट इसमें आलू डाल दूंगी जो मैंने काट के रखा बॉयल, और ये टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ये हम डालेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह की आप लोग बना के देखिए, बहुत यम्मी लगती है। आप लोग शाम के टाइम या दोपहर में वा कोई गेस्ट आ जाए घर पे तो आप इसको रख सकते हैं सामने झटपट बना के, यानी कि आप लोग फ्रिज भी कर सकती है, चना को बॉयल करके फ्रिज भी कर सकते हैं। उसका भी ट्रिप में आपको दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो हम अब इसमें है जो है दही डालेंगे 2 टेबल स्पून, ज़्यादा दही हम नहीं ऐड करेंगे। तो मैंने 2 टेबल स्पून दही डाल दी है, दही को हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें मिक्स करेंगे ये सारे मसाला, चाट के मसाला और जो मिर्ची, जीरा और काला नमक। अब हमें डाल दी, अब हम इसमें इमली की पानी ऐड कर देंगे। सबसे टेस्टी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसमें ये इमली की पानी, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, हमारा ब्लैक चने की चाट जो बन गई है और देखने में कितना यम्मी लग रहे हैं, खाने में भी बहुत मज़े की। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ब्लैक चने चाट, और उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक ब्लैक चने की और एक रेसिपी दिखाऊंगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।